शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्मदिन इस बार शिवसैनिकों ने बेहद अनोखे अंदाज में मनाया। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और शिवसैनिकों ने पूरी ताकत के साथ सेवा भाव में दिन रात एक कर दिया है। हम जिस वार्ड में खड़े हैं, ये मुंबई का वार्ड क्रमांक 97 है। यहाँ के पूर्व नगर सेवक श्री कृष्ण बाड़ा चौहान हमारे साथ हैं और उनके साथ पूरी फौज है शिव सैनिकों की, जो महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की तैयारी में है और यहाँ रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले वस्तुओं को इन्होंने उन बाढ़ पीड़ितों को देने का मन बनाया है। उनकी सेवा भाव कहें या उनकी मदद कहें, लेकिन हमारे साथ खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट से हम गुजारिश करेंगे कि सांता क्रूज के जिस तिलक रोड पर हम खड़े हैं, ये श्री कृष्ण बाड़ा चौहान का कार्यालय है और यहाँ पर जीवनावश्यक वस्तुओं का अंबार लगा हुआ है। ये तमाम वस्तुएं महाराष्ट्र के उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जानी है जहाँ न किसी के पास खाने को खाना है, न पीने के पानी है, न बिजली की कोई व्यवस्था, और ऐसे में वहाँ के लोगों को एक मदद की सौगात मिल सके, ये प्रयास भर है श्री कृष्ण बाड़ा चौहान का और उनकी पत्नी गीता चौहान, जो यहाँ की नगर सेविका रह चुकी हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है और शिवसैनिकों का की एक लंबी फौज है। हमारे साथ खुद श्री कृष्ण बाड़ा चौहान है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगा और सबसे ये जो मदद का भाव आपने अपनाया है, ये किसके दिशा निर्देश? मदद नहीं, मेरा कर्तव्य है, हेल्प नहीं है। मैं मेरा निष्ठा कर रहा हूँ कि मैं भी कोकरवासी हूँ, कोकरवासी के लिए ये मैं मेरा पैर दे रहा हूँ। हेल्प तो मदद ही है। नहीं, मदद नहीं, निष्ठा है मेरी, कुल मिला के ये निष्ठा है। इसमें भी इनका बड़प्पन कहा जा सकता है, चूंकि 20% राजकरण और 80% समाजकरण इसी मूल मंत्रों पर चल पड़ी है शिवसेना। शिवसेना दिवंगत सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने जो मूल मंत्र दिया है उसी का एक पार्ट एंड पार्सल कहा जा सकता है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मैं ये बता दूँगा, अभी हमारे उद्धव साहब का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अंदर हम लोग ने कोई भी स्टंटबाजी नहीं की, क्योंकि पोस्टर बैनर देखने नहीं मिला। पोस्टर बैनर देखने क्यों, उस जो खर्चा करना है तो उससे 10 गुना खर्चा, मैं निष्ठा के लिए मेरे कोकण वासियों को हेल्प के लिए जाएंगे। हम सबसे पहले चिपलुन जाएंगे, चिपलुन के अंदर जो गांव जिसको जो मिला है, आज सिटी में सबको मिला है, अनाज मिला है, पानी मिला, सब मिला, लेकिन जो जिनको घर घर के अंदर खेडूत में नहीं मिला, गांव में नहीं मिला, ऐसी जगह पे मैं और मेरे कार्यकर्ता सब हम लोग पहुँच जाएंगे। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कोई गेहूं भेज रहा है, कोई चावल भेज रहा है, कोई अनाज भेज रहा है, आपके पास जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये एकदम अलग अलग है। ये इनकी जो बाढ़ के अंदर उनके घर से पूरा सब कुछ बह गया है, आज चावल अनाज जगह पकाएंगे कैसे, उनके पास चूल्हा नहीं है, उनके पास तवा नहीं है, उसके पास पोलपाट नहीं है, बर्तन नहीं है, आज किसके चप्पल नहीं है, किसके अंडरवियर निकल गए और किसके ट्रैक पैंट निकल गए, किसका टी शर्ट निकल गया, इसके लिए सब ये जो बाल्टी है, बाल्टी नहाने के लिए, ये 20 लीटर की बाल्टी भी मैं दे रहा हूँ, ये सब उनको उपयोगी जो चीज़ है, उनको जो आवश्यक जो चीज़ है वही मैं दे रहा हूँ। आपके हिसाब से वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी भी मदद लोगों तक नहीं पहुँच पाई है? खेड़ों के अंदर मैं ऐसे ऐसे खेड़ देखा कि कोवड़ी बाहर के आगे कोवड़ी करके गाँव है, 20 जन है, एक उसके बाद कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सुई से लेकर चाकू तक, और ये बकेट देख सकते हैं, ये बेलन देख सकते हैं, ये तवा है, इसके नीचे चौका है, चप्पल है, कपड़े हैं, अंडरवियर तक की पूरी व्यवस्था है। यानी सांता क्रूज के वार्ड क्रमांक 97 से जो महाराष्ट्र के इलाकों में चीजें भेजी जा रही हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप ये मदद कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये मदद नहीं है, ये निष्ठा भाव है। यानी इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना का जो राजनीति करने का जो तरीका है, जो सेवा भाव करने का तरीका है, वो सबसे अलग है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों में शिवसेना का लोहा माना जाता है। आप कुछ बता रहे थे? मैं ओली गांव, दामनवाड़ी, धनगरवाड़ी, ओली, खिंदवाड़ी,
आदरगढ़ और गोलकोट, ये चार गांव के अंदर में ये सब चीजें बांटने वाला, वो भी गांव है। यहाँ की आपने जानकारी कैसे इकट्ठा की कि उनको वास्तव में जरूरत है? वहाँ से मेरे दोस्त है कोई, उनसे मैं बातचीत किया तो उन्होंने मुझे कहा, वीडियो भेजा कि आप ट्रक लेके आओगे तो सब ट्रक लुटाया जाता है। तो मैं बोला मेरे को ट्रक लेके मैं आऊँगा, लेकिन वहाँ पे मेरी जाने के लिए तुम्हारी छोटी सुविधा हो जाएगी। बोला वो हम लोग करेंगे। लूटा जाता है आप कह रहे हैं, ये सबको नहीं पता है, स्थिति इतनी भयावह है कि जिसे जो चीज़ मिल रहा है उसे वो अपने तरफ खींचने की कोशिश में जुटा हुआ है। फिर राहत सामग्रियों से भरा वो चाहे टेम्पो हो, ट्रक हो या फिर कोई अन्य वाहन, एम्बुलेंस के जरिए भी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण बाड़ा चौहान का ये कहना है कि जिस इलाके में हम वाहन खड़े करते हैं वहाँ हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, यदि हमारी निगाह वहाँ से हटती है तो हमारे सामान वहाँ से लूटे जा सकते हैं। चूँकि ये खुद कोंकण वासी हैं इसलिए वहाँ का इन्हें अनुभव ज़्यादा है। एक बात बताइए, आपने कहा वाहन लूट लिए जाते हैं, तहसीलदार वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, मैं तहसीलदार से भी बात किया हूँ और वहाँ के हमारे सचिन कदम करके जिला प्रमुख है उनसे भी बात किया हूँ और PWD के प्रमोद कदम वो भी उन तीनों से बात करके, जिनको जिनको सही में ज़रूरत है उनके घर पे जाके मैं और मेरे कार्यकर्ता पहुँचाने वाले, और उधर छोटा हाथी का बंदोबस्त उन लोग करके देंगे मुझे। क्या ये बात आपके मुखिया को पता है? मैं कल ही परसों या अनिल परब साहब को मिल के आया हूँ, उनके थ्रू उद्धव साहब को बताया हूँ कि मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, और उनको आज बुलाया था लेकिन वो पूरे बॉम्बे में होने के वजह आ नहीं सके। उनको सब कुछ मैंने व्हाट्सअप किया जो जो मैं दे रहा हूँ वो। हाँ, एक आखिरी चीज़ आपको बताएं पूछना चाहेंगे साहब कि अलग अलग इलाके में अलग अलग कॉरपोरेटर हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विभाग प्रमुख हैं, शिवसेना के बहुत चाहे वो गट प्रमुख हो, अलग अलग पदाधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें जो आप भेज रहे हैं वो सबसे हटके हैं? देखो, हेल्प नहीं, निष्ठा है, तो आपकी जो जितनी ताकत है वैसी करो, लेकिन अच्छी तरह से करो। अनाज आज बहुत उधर बह रहा है, अनाज पकाने के लिए इसके पास कुछ है नहीं है, मतलब अनाज है लेकिन अनाज पकाने के लिए नहीं है, मेडिसिन है, पानी है, किसके किसके घर में गंदा पानी है, उनके लिए बिस्लरी का बॉटल भी गया है, लेकिन ये चीज़ नहीं गई है। ये चीज़ मैं सब मेरे सहकार्य को कहना चाहूँगा, आप उधर से मालूमात करके जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ भेजो, गलत चीज़ मत भेजो। ये बात, यानी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वही चीज़ वहाँ भेजी जाए, ऐसा कहना श्री कृष्ण बाड़ा चौहान साहब का है। और उससे भी बड़ी बात, हमारे साथ यहाँ गीता चौहान मैडम हैं, यहाँ की कॉरपोरेटर रह चुकी है, इन्हें भी मुंबई महानगर पालिका की बहुत अच्छी इनके पास अनुभव है। मैडम एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं, चौहान साहब की पत्नी हैं आप, ये सारी चीज़ें जो वहाँ भेजी जा रही हैं क्या तैयारी आपने कैसे की? तैयारी तो सब चौहान साहब ने की है और मैं चौहान साहब के साथ ही हूँ। और दूसरी बात, क्या पूरा के पूरा संसार उनका गया है, उनके पास में ना टोप है, ना थाली है, ना कुछ है, अनाज तो सभी पहुँचा रहे हैं, पानी भी सब पहुँचा रहे हैं, उधर जा रहा है, मगर बर्तन या सिगड़ी या कुछ नहीं पकाने के लिए, तो अनाज का तो कुछ पकाने के लिए चाहिए। तो हम लोग के दिमाग में इस चीज़ का आया है कि चलो हम कुछ बर्तन देंगे तो उसमें वो लोग पका के खाएंगे, इस तरह से हम लोग ने बंदोबस्त किया और फिर हम लोग ने सब जमा किया। और अभी हम लोग कल सुबह निकलेंगे और उधर पहुंचने के बाद जो जो गांव में, खेड़े गांव में जितना हो सके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जिसको जो चीज़ मिलना चाहिए उनके हाथ में देंगे, हम खुद होके चौहान साहब, मैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारे शिवसैनिक सब जाके एक एक चीज़ उनके हाथ में पहुंचाना हम लोग की तमन्ना है कि उनके हाथ में पहुंचाया जाए। व्यंजन कितना भी अच्छा हो, खाना कितना भी अच्छा हो, यदि उसमें नमक नहीं है तो वो अस्वाद हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अनाज कितना भी भेज दें, सामग्रियां कितनी भी भेज दें, लेकिन अनाज को पकाने के लिए यदि सिगड़ी नहीं होगी तो लोगों के पेट तक वो निवाला पहुंचेगा कैसे। ये इन्होंने खास ख्याल रखते हुए खुद भी इन्होंने उस चीज़ को अपनाया है और लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप कोई भी ज़रूरी चीज़ें राहत के तौर पर भेज रहे हैं तो पहले आप उसका पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि वास्तु स्थिति क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो कौन कौन सी है, जिसकी वहाँ पर जो गरीब जनता है,
जो गरीब ग्रामवासी हैं, जो बदहाल सड़कों को लेकर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, घर में खाने के लिए जिनके खाना नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा प्रबल है, और सरकारी महकमे के अधिकारी युद्ध स्तर पर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा इसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। जी, आपके माध्यम से हम सब रहवासी को हाथ जोड़ के विनंती कर रहे हैं कि जो गांव में बाढ़ आई है, कुछ हुआ है, तो आप उनके लिए बर्तन, कपड़ा ये जरूर भेजना, यही मैं बोलना चाहती हूँ। सबका पुराना नहीं, नया भेजना, पुराना नहीं, नया। और सो पूरा गांव चला गया है, उनके पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, बर्तन नहीं है। वो मैं तो सबको हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि वो लोग ने ऐसी चीज़ भेजे कि उनके काम आवे। शिवसेना पक्ष प्रमुख की तरफ से कोई भी आदेश आप तक? आदेश तो हमको सबको उसी दिन दिया, लास्ट वेनेसडे को हमारी मीटिंग हो गई साहब के साथ में, तो साहब ने बोला जो जो तुम्हारी तरफ से होगा उतना करो, और हम हमारी सरकार की तरफ से कर रहे हैं। उस सरकार का तो 11,500 करोड़ का कल ही डिक्लेयर हुआ है, सब घर घर में मिलने वाला, व्यापारी को भी मिलने वाला है, क्योंकि ये अभी सरकार आने के बाद 2 बार कोविड, 3 बार बाढ़, ये तीसरी बाढ़ है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, कोविड-19 की इन्होंने बात की है। कोरोना वायरस महामारी के महासंकट काल में जो स्थिति पैदा हुई है वो बेहद भयावह है। कईयों की नौकरियां चली गई, आर्थिक स्थिति चरबरा गई लोगों की, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले वो परिवार इस समय भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में लोग अपनी जान तक देने लगे, क्योंकि इस महामारी के इस घड़ी, मुश्किल घड़ी में वक्त है सबको एकजुटता दिखाने का, सेवा भाव की भावना अख्तियार करते हुए लोगों की मदद करने का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो वार्ड क्रमांक 97 जी, ऐसे समय में सरकार उद्धव साहब जो चला रहे, मतलब नगर सेवक, बाद में अगर एक शिवसैनिक बनकर इनकी भावनाओं को अगर महसूस करने की कोशिश की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि 3 पहिए की वाहन पर बैठे उद्धव साहब के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं, और ऐसे में विरोधी पक्ष तो एक तरफ, कुदरत भी अपने तरफ से एक के बाद एक कई चीजें उनके सामने चुनौती के रूप में पेश कर रहा है जिसका वो सामना कर रहे हैं। बहरहाल सेवा भाव का दौर जारी है, और शिव सैनिक जो है वार्ड क्रमांक 97 के चल पड़े हैं महाराष्ट्र के उन तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में, और मदद नहीं कहेंगे, निष्ठाभाव की भावना लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।